और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या 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 वर्ड्स हम बेसिक अकाउंट्स में यूज करते हैं, उन सब के बारे में रीड करेंगे। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है? फर्स्ट वर्ड जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर वो होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उस टाइम जो हम कैश वहां पर लगा रहे हैं बिजनेस में वो उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं उसमें जो हम कैश लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। अगर हम बिजनेस में कैश के साथ बैंक बैलेंस, फर्नीचर, गुड्स कुछ भी लगा रहे हैं तो हम उसे भी कैपिटल कहते हैं। यदि हम बिजनेस में जो बिजनेस हमारा चल रहा है एट प्रेजेंट, हमारा काफी सालों से कोई बिजनेस चल रहा है, हम उसे और भी बड़ा करना चाहते हैं और हम उसमें और कैश इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे भी कैपिटल कहेंगे। इसे हिंदी में पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज। परचेज क्या होता है? इसको हिंदी में हम क्रय करना कहते हैं। क्रय मतलब खरीदना। जो वस्तु हम बेचने के मोटिव से खरीद कर लाएंगे उसे हम परचेज कहते हैं। खरीद कर मतलब जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है जिसको हम बेचने के लिए इनकम कमाने के लिए खरीद कर लेकर आते हैं कि हम इसे बेचकर इनकम कमाएंगे उसे हम परचेज कहते हैं। सेल, इसे हम विक्रय करना कहते हैं, बेचना। जो भी सामान हम परचेज करके लाए थे उसे हम बेच रहे हैं उसे हम सेल कहते हैं। हिंदी में इसे विक्रय करना कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में हम देनदार कहते हैं। जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं या फिर हम कह सकते हैं उधार में माल सेल करते हैं उसे हम डेटर्स कहते हैं। हमने उनसे पैसे लेने हैं मतलब कि वो हमें देने वाला है तो वो हमारा देनदार बन जाएगा। उधार को हम क्रेडिट कहते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जिसे हमने क्रेडिट सेल की है तो वो हमारा डेटर्स बन गया है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स, लेनदार। जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं मतलब क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स बन जाता है, मतलब उसने हमसे पैसे लेने हैं उसे हम लेनदार कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज का मतलब होता है क्रय करना और रिटर्न का मतलब होता है वापिस। क्रय किया हुआ, इसका मतलब क्या बनेगा देखना, क्रय किया हुआ माल वापिस आना। वही जब हम कुछ माल बेचने के लिए लेकर आते हैं और उसे किसी टूट फूट या डिफेक्टेड पीस होने के कारण हमें वापस लौटाना पड़ता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। जब हम कुछ भी माल, जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर हम माल खरीद कर ला रहे हैं और वो माल हमें किसी भी कारण से वापस भेजना पड़ता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। अगर जो सामान हम बेचने के मोटिव से नहीं लाए थे, ओनली यूज करने के लिए लाए थे, अगर वो माल हम वापस करते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है सेवंथ पॉइंट, सेल रिटर्न।
सेल रिटर्न क्या होती है? सेल मतलब बेचना, रिटर्न वापसी, जो माल हमने बेचा था मतलब कि विक्रय किया था, सेल का मतलब होता है विक्रय करना, जो माल हमने बेच दिया था कस्टमर को और वो माल किसी भी कारण से वापिस आ जाता है तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। आपने एक सेकंड पॉइंट देखा होगा परचेज, इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। परचेज जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम परचेजिंग करने गए थे, बट वो वर्ड गलत होता है। क्यों? क्योंकि जो माल हम शॉपिंग करने गए थे उस सामान को हम घर पर आकर यूज करते हैं स्वयं, तो हम उसे परचेज नहीं बोल सकते। परचेज सिर्फ उसे बोला जाता है जब हम बेचने के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जब हम उसे हमारा मेन मोटिव उसको बेचकर इनकम कमाना होता है तो उसे ही परचेज कहा जाता है। जब हम स्वयं के लिए कुछ खरीदने जाते हैं कि हम इसे यूज करेंगे, मार्केट में शॉपिंग करते हैं, तो हम उसे परचेजिंग नहीं बोल सकते। किसी भी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में से कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।